अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला उषा राउत, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला रुति बर्मिया के निर्देशानुसार महिला उत्पीड़न महिला शोषण के विरुद्ध मुहिम को मजबूत करते हुए आज छिंदवाड़ा स्थित आधार फाउंडेशन के संचालक द्वारा महिला उत्पीड़न शोषण पर दुष्कर्म जैसे गंभीर निंदनीय कृत्य संज्ञान में आया। तत्काल हमारी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महिला उषा राउत के निर्देश से तत्काल सभी पदाधिकारी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां महिला उत्पीड़न शोषण के खिलाफ तत्काल जांच राहत के लिए आधार फाउंडेशन पहुंच आधार फाउंडेशन चलाए जा रहे विभिन्न सेक्शन निःशक्त और विकलांग बच्चों के प्रति रख रखाव, भोजन पोषण, अनुकूल वातावरण आदि जांच की आधार फाउंडेशन में पोषण मेनू को लेकर घोर लापरवाही पाएगी तथा दान में दी गई गाय भैंस की डेयरी जो कुंडली कला ग्राम स्थित है, बच्चों को उसका लाभ नहीं दिया जाता, सुबह के नाश्ते में फल फ्रूट नहीं दिए जाते और संचालिका मोहिदा संचालक के दुष्कर्म कृत्य से अपने आप को और संचालक को बचाते दिखी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष महिला द्वारा जो सवाल किए जा रहे थे उन्हें जवाब देने के बजाय भटका जा रहा था। संचालिका से 2019 से आधार फाउंडेशन से जुड़ी है, टीचर ने 2021 से जुड़ने की बात कही। सर्वविदित है कि आधार फाउंडेशन संचालक द्वारा किया गया दुष्कर्म 2016 का है। पीड़िता निःशक्त है, गरीब है, मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता 2016 से संचालक के द्वारा पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के समस्त पदाधिकारी गणों ने आज आधार फाउंडेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, ये कृत्य की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के उद्देश्य अनुसार निरंतर समाज को संगठन के माध्यम से राहत कार्य मिल सके और बुलंद आवाज एक बन सके, इसका पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को किया। पीड़िता ने देहात थाना पहुंच संचालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। संचालक को थाना देहात ने जेल भेज दिया। हमारी टीम थाना देहात पहुंची। पुलिस आधार फाउंडेशन संचालक को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया है। न्यायालय में आरोपी को जेल ले जा चुकी थी। थाना देहात प्रभारी मैंक उइके से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की टीम नहीं मिल सके। इस गंभीर दुष्कर्म निंदनीय कृत्य के लिए थाना प्रभारी देहात से मुलाकात कर पीड़िता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए छिंदवाड़ा टीम प्रयासरत है तथा पीड़िता को हर संभव सहायता और अनावश्यक दबाव से मुक्ति दिला पीड़िता को सुरक्षित और भयमुक्त किया जाएगा, जिससे महिला शोषण उत्पीड़न आज असुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर एक नया मैसेज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से जा सके और भयमुक्त समाज की स्थापना हो सके। इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष महिला उषा रायत, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला रुति बर्मिया, जिला अध्यक्ष सुनील निलबांकर, जिला उपाध्यक्ष महिला नेहा वर्मा, जिला मंत्री महेश राजपुरोहित, जिला संगठन उप मंत्री राजकुमार चौहान, जिला उप मंत्री महिला माया इंगले, प्रसिद्ध समाजसेवी कमलेश बर्मिया और रोनित वर्मा उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से उषा राउत की रिपोर्ट। सोलह का ये मैटर है और यहाँ अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो चाहे महिला कोई भी हो, उनको महिला का सपोर्ट करना चाहिए, महिला के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा देखा है कि इन लोग तो अपने जो प्राचार्य है
उन्हीं का सपोर्ट कर रही है, उन्हीं का साथ दे रही है। इनको महिलाओं की कोई परवाह नहीं है, किसी महिलाओं के बारे में इन लोग अच्छा नहीं सोच सकती। इसी के साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की टीम यहाँ पे आई हुई है। मैं राजधानी तक से उषा राउत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम आपका नाम बताइए। मैं रीति बर्मैया प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जी। हम लोग आधार फाउंडेशन से होते हुए यहाँ पहुँचे। हमें आवश्यक सूत्रों से पता लगा है कि देहात थाने में महेश किंत को ले जाया गया जी, लेकिन कुछ विलंब के कारण हम उनसे नहीं मिल पाए। उन्हें अभी जेल ले जाया गया है यहाँ से, और यहाँ के जो प्रभारी पुलिस हैं वो भी हमें, उनसे भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है जी। उन्होंने हमारी जो संगठन की अध्यक्षा हैं उनसे फ़ोन पर बात की है और उन्होंने बताया है उनके विषय में। एवं हम चाहते हैं कि महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कानून कोई कड़े से कड़ा कदम उठाए। प्रशासन भी इसमें हमारी व अन्य जनों की सहायता करे। अच्छा, आए दिन महिलाओं के साथ में कुछ ना कुछ बलात्कार के केस होते हैं, महिला उत्पीड़न होता है, जैसे कि अभी ये जो आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो बच्ची है, महिला है, तो वहाँ उनके साथ में 2016 से हुआ है, तो उनके परिवार को भी क्या पता नहीं था क्या कि 2016 से लेके अब तक वो चुप गए थे? देखिए, पता तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या होता है, ऊपर से कुछ दबाव भी रहता है जी। तो इस वजह से लोग खुलकर आगे नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन मामलों को दबाना नहीं चाहिए, इस पे तुरंत कुछ ना कुछ क्रिया प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा ही चलता रहा तो समाज में लड़कियों को लोग भेजने से कहीं बाहर या किसी भी ऐसे फाउंडेशन में उसमें भेजने से लोग डरेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची वहाँ जाके असुरक्षित हो। और मुझे ये भी पता लगा कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई वो विकलांग है, उन्हें मामले को दबाने के लिए शायद उनका विवाह भी कर दिया गया था। अच्छा, ये बहुत बड़ा ये एक मामला है, ये महिलाओं के लिए, खास तौर पे ऐसे विकलांग बच्चों के लिए जो कि ना चलना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, और ना उनकी बुद्धि, मतलब उनका जो दिमाग है वो काम नहीं करता, कि उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है, तो क्या आने वाले समय में आगे आपकी लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि प्रशासन एवं कानून कोई कड़े से कड़े कदम नहीं उठाता और उनके खिलाफ कोई मोर्चाबंदी नहीं करता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी लड़की है, जिसने भी लगाया है, सब इनलीगल है। नहीं नहीं, तो देखिए, कोई भी महिला हो, कोई भी महिला हो, वो ये नहीं चाहेंगी कि हम पब्लिक सिटी करें हमारी, हम मीडिया के सामने आए। वो अपनी इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती है, है ना? सही बात है। तो वो अपने आप तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ होगा, तभी उन्होंने बोला है। तो मेरा भी यही पूछना है, कुछ ना कुछ हुआ है तो ये 2016 का मैटर अभी क्यों? तभी बोलना था अगर उसके साथ, मुझे एक बात पता है, अगर किसी महिला के साथ गलत नहीं, होता तो है, हो सकता है उस समय उनको डराया जा रहा होगा, कोई नहीं, मेरी बात सुन रही थी, अगर कोई महिला के साथ गलत हो रहा है तो वो शांत नहीं बैठती है, वो तुरंत एक्शन लेती है। नहीं, चाहे यहाँ एक्शन लिया, सुनिए, उन्होंने एक्शन लिया, थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगा, हो सकता है उस समय उनके ऊपर में प्रेशर डाल दिया होगा, या उनको दबा रहे होंगे, डरा रहे होंगे, धमका रहे होंगे, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आई। तो प्रेशर कौन डालेगा जबकि वो यहाँ रही नहीं रही है? तो फिर उन्होंने संचालक के ऊपर आरोप कैसे लगाए? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वही मैं जानना चाहती हूँ, यही हम जानना चाह रहे हैं। आप देखिए, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। 2019 से आई हूँ जी, हमारे यहाँ पुराना स्टाफ भी है, जो भी यहाँ था, वो लड़की थी, यहाँ पहले रहती थी, तो आप 19 में रहे हैं, आप 19 में आए हैं, हाँ, 2016 से थी, हाँ, आपसे पहले थी, हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? में कुछ प्रेशर आ रहा होगा, कुछ दबाव आ रहा होगा, उसके कारण वो सामने नहीं आए, पर अभी वो सामने आई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी तो वो सामने आई है। तो आप इस बात को तो कैसे सच्चाई का सकते हैं? सच्चाई क्या है तो ये आप लोग पता कीजिए ना। नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ रह रहे, ये मैडम भी बालाघाट से है, ये भी इतने साल से यहाँ रह रही। मैडम आप कब से यहाँ पे? मैं तो 2021 से। तो मतलब आप नए आए ना मैडम, 19 से आए या 25 से आए हैं? ये मैटर है 2016 का,
वो जबकि 2016 से यहाँ रहती थी, तो आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं वो गलत है करके? तो आप एक काम कीजिए, हमारा कोई और देखिए, हमें आप मत बताइएगा कि हम कौन सा काम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, ओके? हम हमारा काम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? आप कह रहे हैं कि आप 2019 से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया 2016 से 21 तक, आप भी 21 में आए हैं, ठीक है? तो ये वाला जो मामला होगा, कोई भी महिला हो वो अपनी इज्जत बाहर नहीं उछालती जब तक उनके साथ कुछ नहीं होता। और रही आपके संचालक की बात, तो हमें बहुत समय से पता था, शायद आपको याद होगा एक बार मैं भी आके गई थी यहाँ पे। पता है आप लोगों को, मैं एक बार आके गई थी, मैंने वही पूछा था, क्योंकि हमें कहीं से ना कहीं से थोड़ा सा हैंड मिला था। पर जब मैं आई यहाँ पे, मैंने आप लोगों से बात करी, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि उस समय सर ऊपर थे, उस समय आपके जो संचालक थे वो ऊपर थे, उन्होंने आपको भेजा यहाँ। तो क्या ये अगर ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद में क्या स्टॉप को आगे करते हैं वो? ये मैडम देखिए, ये हरकत बहुत घिनौनी हुई है महिलाओं के साथ में। अगर हम ये गुरु का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है, ठीक है? बेचारे वो बच्चे आते हैं जो बोल नहीं सकते, जो अपने दिमाग से कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकते। अगर पेरेंट्स आप लोगों के साथ जिम्मेदारी के साथ अगर यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि उनको हम सेफ रखें? ये हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो फिर ये मामला सामने क्यों आया है? ये मामला इस सामने क्यों आया है ये मुझे नहीं पता है, इसकी इंक्वायरी आप जो भी है कर सकते हैं जी, वो तो लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं करेंगे। जो स्टाफ यहाँ रह रहे हैं, जो स्टाफ, और यहाँ सारा लेडीज स्टाफ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी ने भी अगर कुछ देखा है सुना है, तो आप भी तो एक महिला है, आप भी तो एक महिला, मैं भी तो एक महिला हूँ, जब मेरे साथ में, तो आप कैसे अपने प्राचार्य के तरफ से बात कर रहे हो? आप एक महिला हो, अगर कोई महिला, देखिए मैं बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं महिला जरूर हूँ, लेकिन मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी महिला अपनी इज्जत बाहर नहीं उछालती, क्योंकि उसको अपनी इज्जत का बहुत मान सम्मान होता है, ठीक है? अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उस आरोप की सच्चाई होगी। और अगर हम मीडिया वाले आपसे बात कर रहे हैं, तो आप अपने संचालक महोदय जी का सपोर्ट कर रहे हो? मैं संचालक महोदय जी का साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा यहाँ जो हैंडीकैप है, सीपी चाइल्ड है, वो यहाँ रहता है 4 साल से मेरे साथ में। तो मैडम ऐसा तो होता तो आप लोगों को तो आवाज उठाना चाहिए। तो संचालक ऐसा अगर होता तो मैं मेरे बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं दिलाती, और ना ही मैं। आपका बेटा है बेटी है? मेरा लड़का है। बेटा है? हाँ, शायद आप इसलिए संचालक के पक्ष में बात कर रहे हो, आपका बेटा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप किसी और को बुला लीजिए जो संचालक के पक्ष में बात ना करे।